अर्ली इंटरवेंशन क्यों ज़रूरी है बच्चों के लिए, इसकी क्या एज होती है और इसकी क्या अप्रोचेस हैं, घर पर किस तरह से हम बच्चों को अर्ली इंटरवेंशन की फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, आज इसी विषय में मेरा ये वीडियो है। हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन के बारे में जो कि अक्सर ऑटिज्म में सजेस्ट किए जाते हैं कि घर पर बच्चों को किस तरह से टीच किया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम थेरेपी सेंटर पर बच्चों को नहीं लेकर जा सकते हैं, या हम थेरेपीज की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर हम बच्चे को, हमारा बच्चा घर पे कुछ भी नहीं करता, सिर्फ थेरेपी सेंटर में जा रहा है। घर में आपका बच्चा ज़्यादा टाइम है। हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि थेरेपीज पर बच्चा आपका आधा घंटा, मैक्सिमम 40 मिनट्स या 60 मिनट्स। बच्चे जब वापस घर आते हैं तो जो वो वहाँ पर जो भी उन्होंने सीखा है, बच्चे घर पर आकर वो सब चीज़ें एकदम से उनके दिमाग से जानी शुरू होती हैं, क्योंकि घर पर उन्हें किसी भी तरह का कोई स्टिमुलेशन नहीं मिलता है। लेकिन अगर हमें थोड़ा भी नॉलेज हो कि हमें घर पर बच्चे के साथ कैसे डील करना है, तो हम काफ़ी हद तक बच्चों को घर पर बहुत सी चीज़ें सिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त है। और अगर हमें पता चल जाए कि हमें किस डायरेक्शन में चलना है, या हमें अपने बच्चे के साथ में कौन से इंटरवेंशन करने हैं जो उसको हेल्प करेंगे, तब हमारी जो टाइम है हम उसे सही जगह पर डिवोट कर सकते हैं, हम बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। ऑटिज्म में बच्चों को अक्सर काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं, कुछ ऐसी हिडन डिफ़िकल्टीज होती हैं जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी फ्रस्ट्रेट रहते हैं, उनके बिहेवियर इश्यूज काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कोई भी चीज़ वो जल्दी सीखते नहीं हैं क्योंकि वो आसपास देखते ही नहीं हैं। हमने देखा दूसरों को तो हमने सब कुछ सीखा, लेकिन वो कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। सोशल उनका एरिया काफ़ी इम्पेयर्ड रहता है, या उनकी स्पीच लैंग्वेज काफ़ी इफेक्ट होती है, बिहेवियर्स नहीं उन्हें पता कि किस तरह से मुझे बिहेव करना है किसी सिचुएशन में। तो ये सब चीज़ें तभी आती हैं हमें जब हम दूसरों को देखते हैं, लेकिन ये एक चीज़ मिसिंग होने की वजह से बच्चे ये चीज़ें सीख ही नहीं पाते हैं, और ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स सारी उम्र उनके साथ चलती हैं, जिसकी वजह से बच्चों के बिहेवियर, उनकी स्पीच लैंग्वेज, उनकी पूरी लाइफ अफेक्ट होती है। अगर घर पर ही हम उनकी इन मुश्किल एरियाज़ पर काम करें अलग अलग तरह से, तो डेफिनेटली हम बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। या मैं ये कहूँगी कि हर एक बच्चा ऑटिज़म में डिफरेंट है, हर एक बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेस है, लेकिन हर एक बच्चा, नो मैटर आपका बच्चा माइल्ड में है, मॉडरेट है, वर्चुअल ऑटिज़म है उसको, या फिर बच्चा ADHD है, बच्चा डेफिनेटली सीखते हैं अगर हम उन्हें सही इंटरवेंशन दें। हमें इंटरवेंशन जब बच्चे के लिए डिज़ाइन करना है, तो हमें ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि हमारे बच्चे का लेवल क्या है, उसकी क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। बच्चे के लेवल के हिसाब से हम इंटरवेंशन को डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि ये उसे हम कहते हैं कि एक इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच लेना, कि बच्चे को हमने ध्यान में रखना है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बच्चे को कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि बीइंग ए पेरेंट हमें पता होता है कि हमारे बच्चे को यहाँ इश्यूज़ हैं। अब मैं बात करूं कि इंटरवेंशंस की, तो हमें कौन से इंटरवेंशंस ऑटिज़म के लिए घर पर हम बच्चों को करवा सकते हैं, कौन सी थेरेपीज हैं जो हम घर पर बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताई गई है। बताया गया है कि 6 साल तक बच्चों को अर्ली इंटरवेंशन देने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अगर आपका बच्चा जितना छोटा है उतना ही आउटकम बहुत अच्छे हैं, और बच्चा पूरी तरह से रिकवर भी कर जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम बच्चे को घर पर भी टीच करें, ताकि हम बैलेंस बना सकें एक बच्चे की लर्निंग का, क्योंकि घर पर अगर आपका बच्चा सेंटर से आया है और फ्री घूम रहा है, तो वो कुछ भी लर्न नहीं कर रहा है, वो जो लर्न किया है उसने वो भी उसका रिपीट नहीं हो रहा है, जबकि रेपिटेशन बहुत ज़रूरी है लर्निंग के लिए, ऑटिज्म स्पेशली। लेकिन अगर आपको ये नहीं बता रहे हैं थेरेपी सेंटर वाले कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन घर पर आप उसका एक प्रोग्राम ज़रूर डिज़ाइन कीजिए, जिससे कि आपको पता हो कि आप घर पर उसके साथ क्या करें, और डेली उसे वो चीज़ें करवाइए ताकि वो चीज़ों को सीखना शुरू करे। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि ABA थेरेपी को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है, अर्ली इंटरवेंशन भी इसे कई लोग कहते हैं, जो छोटे बच्चों के लिए स्पेशली होता है। लेकिन ऑटिज़म में इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, आप बच्चे को जब सिखाना चाहें तो ABA आप कभी भी कर सकते हैं। और जो ABA है वो इसलिए ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि दो मेन जो प्रॉब्लम्स बच्चों को होती हैं, एक फर्स्ट जो प्रॉब्लम होती है नए स्किल को सीखने में, बच्चों को नए स्किल सीखने नहीं आते कि मुझे कोई चीज़ कैसे करनी है। जैसे मान लीजिए बच्चे को ये नहीं पता कि मुझे टॉय के साथ में कैसे खेलना है, कार है, कार उसे दे दी गई है, उसके पास कार पड़ी है, तो कार को या तो वो बैंक करेगा या फिर उसके व्हील को इस तरह से वो घुमाएगा, क्योंकि वह नहीं जानता है कि मुझे कार के साथ कैसे प्ले करना है। लेकिन अगर हम उसे ये चीज़ सिखा दें, इसे हम कहते हैं कि टीच करना, उसे एक नया स्किल सिखाना,
तो इसमें आपको प्ले थेरेपी अगर आपका बच्चा छोटा है तो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बच्चों को सिखाने में, कि बच्चों को आप ये चीज़ें सिखाइए कि किस तरह से उन्हें चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, किस तरह से उन्हें अप्रोप्रिएट वेज में चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करना है। क्योंकि जब बच्चे ये चीज़ नहीं जानते हैं, मान लीजिए आपने उसके सामने सीज़र रखी है, जब बच्चा ये जानता ही नहीं कि मुझे इसे किस तरह से यूज़ करना है, हो सकता है उसे माउथिंग का बिहेवियर तो उसे मुँह में ले ले, वो कितना डेंजरस हो सकता है बच्चे के लिए। तो हमें बच्चे को चीज़ों के अप्रोप्रिएट वेज कि क्या है वो चीज़, उसका नाम, उसका यूज़, ये सिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चा कभी भी गलत तरीके से किसी चीज़ को यूज़ ना करे। इसे हम कहते हैं अप्लाइड बिहेवियर, उस बिहेवियर थेरेपी, बच्चे को नए स्किल सिखाना। इसके साथ ही जो दूसरी चीज़ हम टारगेट करते हैं वो है बच्चों में चैलेंजिंग या प्रॉब्लम बिहेवियर्स होना। चैलेंजिंग बिहेवियर्स क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चों को इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हैं जिन पर बच्चे के साथ घर पर काम नहीं हो रहा। अगर सेंटर में काम हो रहा है तो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, उसे बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन चाहिए रिकवरी के लिए। क्योंकि जब हम रिकवरी की बात करते हैं तो ये मत सोचिए कि सिर्फ थेरेपी सेंटर पर जाने पर ही आपका बच्चा रिकवर हो जाएगा, उस और भी ज़्यादा इनपुट चाहिए रिकवर होने के लिए जो आप उसे घर पर दे सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बिहेवियर अप्रोच की, तो अगर हम बच्चे के चैलेंजिंग बिहेवियर्स को कम करने की बात करते हैं तो हम बच्चों के लिए ABC डाटा शीट बनाते हैं। ABC के बारे में मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको चीज़ें समझाई हैं अब तक, लेकिन अभी भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि A का मतलब है कि एंटीसीडेंट, बिहेवियर से पहले क्या हुआ, बिहेवियर के बाद क्या हुआ, ये चीज़ें दोनों बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं आपके बच्चे के बिहेवियर को। बिहेवियर कुछ भी है लेकिन उसके लिए ये दो चीज़ें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं, सिचुएशन उस वक्त क्या थी, एनवायरमेंट में क्या हुआ था, या फिर उसके बाद क्या हुआ, बच्चे को क्या मिला, ये चीज़ भी बच्चों में बिहेवियर को इंक्रीज या डिक्रीज करती है। तो हमें देखना है कि हमारे बच्चे को किस वजह से बिहेवियर इश्यूज हो रहे हैं और उस वजह को हम समझें और उस वजह पर काम करें। अगर बच्चे का बिहेवियर ही ऐसे रिजल्ट की वजह से आ रहा है, जैसे कि आपने बच्चा रोया और बच्चे को आपने चॉकलेट दे दी उसे चुप करवाने के लिए, तो आप ये बिहेवियर को इंक्रीज कर रहे हैं। और अगर स्टार्टिंग की मैं बात करूं, अगर बच्चे ने अटेंशन के लिए अपने आप को हिट किया तो आपने उसे अटेंशन दे दिया है, बेटा क्या हुआ, हम उसे ये चीज़ें नहीं करेंगे, इससे जो है बच्चों का बिहेवियर इंक्रीज होगा, उस टाइम पर हमें इग्नोर करना है अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का बिहेवियर ये ना बने। क्योंकि हमें अपने बच्चे को सोशली अप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाने हैं, इन बिहेवियर्स को कम करना है तो बहुत ज़रूरी है हमें अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज करने की। अगर घर पर हम थोड़ा सा भी इन चीज़ों पर ध्यान दें, बिहेवियर के बारे में मैंने बहुत से वीडियोस अपलोड किए हैं, आगे भी मैं करती रहूँगी, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, उनमें आपको वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे कि आप भी बच्चों के प्रॉब्लम बिहेवियर को घर पर ही कंट्रोल कर सकते हैं। और अब जो सेकेंड चीज़, जो सेकेंड थेरेपी होती है बच्चों के लिए, वो है स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी। स्पीच और लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि स्पीच लैंग्वेज में इम्पेयरमेंट होने की वजह से, कम्युनिकेशन इम्पेयर होने की वजह से बच्चों में बिहेवियर इश्यूज आते हैं। ज़्यादातर वजह जो होती है वो होती है बच्चों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बच्चे चीज़ों को समझते नहीं हैं। रिसेप्टिव यानी कि लैंग्वेज स्किल्स, बच्चा क्या चीज़ों के नाम जानता है, क्या बच्चा चीज़ों को यूज़ कैसे करना है वो जानता है, चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब कर सकता है, चीज़ों की कैटेगरी क्या है, चीज़ों का फंक्शन क्या है, वो सब चीज़ें उसे पता है। अगर बच्चे को ये चीज़ें नहीं पता है, छोटी छोटी कमांड्स को आपकी क्या वो फॉलो करता है, अगर आप सिंगल कमांड दे रहे हैं उसे क्या वो सामने पड़ी चीज़ आपको उठाकर दे रहा है, अगर वो सामने पड़ी चीज़ उठाकर दे रहा है तो दूर पड़ी चीज़ आपने उससे मांगी है तो क्या वो दे रहा है, अगर आप मिक्स करके दे रहे हैं कोई कमांड कि पहले ये कोट वहाँ रख कर और फिर मुझे वो नोटबुक ला कर दो, तो क्या वो ये चीज़ें समझ रहा है। क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इन पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है और इसमें कंसंट्रेशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप बच्चे के कंसंट्रेशन पर काम करते हैं, उन्हें मल्टीपल स्टेप के साथ में उनके कंसंट्रेशन पर वर्क कीजिए, स्पेशली उनकी लिसनिंग को बढ़ाने के लिए, ताकि बच्चों में स्पीच और लैंग्वेज को डेवलप किया जाए। क्योंकि ये चीज़ें जो सुनना और बोलना, ये दोनों ही एरियाज साथ साथ चलते हैं। अगर आपका बच्चा किसी चीज़ को सुन ही नहीं रहा है तो उसके बोलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बहुत ज़रूरी है बोलने से पहले सुनना, और अगर आप बच्चे की लिसनिंग पर काम करते हैं घर पर ही, तो डेफिनेटली बच्चों में ये लिसनिंग, बच्चे आपको सुनना शुरू कर देते हैं। कमांड आपने दी है तो उसे फॉलो ज़रूर करवाइए, ये नहीं कि बच्चे को हमने बोला कि उठा के दो, बच्चे ने नहीं दिया चला गया तो आपने भी उसे इग्नोर कर दिया। आप उसे वापस लेकर आएंगे, उससे वो चीज़ उठवाएंगे, ताकि बच्चे को ये चीज़ दिमाग में आ जाए कि मुझे ये काम तो करना ही है, जो मुझे एक बात बोल दी गई है मुझे वो पूरी करनी है। इससे बच्चों में बिहेवियर बनना शुरू होता है कि बच्चे आपकी बात को मानना शुरू करते हैं, और इसी ही हम लिसनिंग कहते हैं। लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जब लिसनिंग आपके बच्चे में नहीं है तो समझ लीजिए आपके बच्चे के बोलने के चांसेस कम हो रहे हैं। और अगर आपके बच्चे को कोई ओरल मोटर इश्यूज है, जिसे हम अपरेक्सिया भी कहते हैं, क्योंकि ऑटिज्म में बहुत सी डिफिकल्टीज आपके बच्चे को हो सकती हैं, यू नेवर नो, और हमें
हमें उन डिफ़िकल्टीज़ को समझना है। अगर आपके बच्चे को साउंड को इमिटेट करने में वो साउंड नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, आपकी माउथ मूवमेंट को कॉपी नहीं कर पा रहा है, तो बहुत ज़रूरी है उनके ओरल मोटर स्किल्स पर काम करने का, क्योंकि ओरल मोटर स्किल्स पर काम करने से आपके बच्चों में जो क्लैरिटी रहती है स्पीच की, या फिर बच्चे जो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं वर्ड्स को या साउंड्स को, उन पर काम किया जाता है। और ये हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये सबके रिगार्डिंग मैंने वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं कि वर्बल इमिटेशन बच्चे को कैसे सिखाएंगे। और ये चीज़ें जब हम बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चे धीरे धीरे बोलना सीख लेते हैं। अब सीखने के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चों में अगेन क्या होता है कि जो वजह रहती है कि अगर हम बच्चे को स्पीच का इनपुट दे रहे हैं, बुलवाना तो सिखा रहे हैं लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग पर काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है कि बच्चों में वर्बल स्ट्रीमिंग के इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। बच्चे अकेले में बोलना शुरू कर देते हैं, मीनिंगलेस बातें करते हैं, मीनिंगलेस आंसर्स करते हैं, क्वेश्चन हम कुछ और पूछ रहे हैं, आंसर कुछ और आ रहा है, क्योंकि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। यहाँ पर बच्चे ने बोलना तो सीखा है लेकिन वो समझता ही नहीं कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। तो एक ये चीज़ कि उसकी समझ पर काम करना, उसके रिसेप्टिव स्किल्स को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है बच्चों में स्पीच को डेवलप करने के लिए, जिसे हम फंक्शनल स्पीच भी कहते हैं। और अगर आपके बच्चे को स्पीच को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, बच्चा बिल्कुल नहीं बोलता है, तो आप बच्चे को AAC मेथड्स के साथ में बच्चे की स्पीच पर काम कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा नहीं बोल रहा है तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेशन के और बहुत से वेज हैं। बच्चे को साइन लैंग्वेज सिखाना, पिक्चर्स के थ्रू बच्चे को कम्युनिकेशन सिखाना, इलेक्ट्रिक गैजेट्स को यूज़ करना, आप ये कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, उससे बच्चों की स्पीच पर वर्क कीजिए। क्योंकि ये जब चीज़ें बच्चा आपके साथ में कम्युनिकेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि बच्चे की डिफ़िकल्टीज़ कम होने लगती हैं जब बच्चा अपनी बातें आपको बताना शुरू करते हैं। स्पीच लैंग्वेज के लिए ओरल मोटर एक्सरसाइज किस तरह से हमें स्टार्ट करनी है, बच्चे को ब्लोइंग सकिंग करवाना, या बच्चे को की ओरल मोटर मूवमेंट पे काम करना, उन्हें टंग एक्सरसाइजेस करवाना, या उन्हें इमिटेशन में बोलना सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे को एप्रेक्सिया भी है या आपके बच्चे को ओरल मोटर डिफ़िकल्टीज़ हैं तो ये काम ज़रूर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बोलता है लेकिन समझता कम है, तो आप रिसेप्टिव इनपुट उसकी अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा काम कीजिए। थर्ड इंटरवेंशन जो है उसे हम कहते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अब ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है वो भी आप घर पर दे सकते हैं बच्चों के कंसंट्रेशन, उनके कॉग्निशन को इम्प्रूव करने के लिए, उनके विजुअल परसेप्शन को इम्प्रूव करने के लिए, मिडलाइन पर वर्क करने के लिए, बायलेटरल कोऑर्डिनेशन के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग से रिलेटेड होती हैं। अगर ये इंपॉर्टेंट मोटर स्किल्स बच्चों में मिसिंग है तो डेफिनेटली बच्चों में लर्निंग कम होती है, क्योंकि लर्निंग से का सीधा संबंध होता है इन सब चीज़ों के साथ में कि आपके बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपका बच्चा फिजिकली कितना को कर पाता है। अगर मैंने बोला है बच्चे को कि राइट हैंड को इस डायरेक्शन में करो, तो क्या बच्चा अपना राइट हैंड जानता है कि मुझे इस डायरेक्शन में करना है? या फिर अगर मैंने बोला है कि हाथों को ऊपर करो, तो बच्चा जानता है ऊपर हाथ करने का मतलब क्या है? हाथों को कई बार मैंने देखा है कि कुछ बच्चे इतना ही ऊपर कर पाते हैं, पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, कुछ उनकी ऐसी डिफिकल्टीज होती हैं जिसे मैं कहूंगी कि फिजिकल डिफिकल्टीज। हम OT के साथ में इन सब चीज़ों पर काम करते हैं, बच्चों को फिजिकल थेरेपी देना। अगर बच्चे को टो वॉकिंग के इश्यूज़ हैं तो किस तरह से हम उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं, W सिटिंग के इश्यूज़ हैं तो उन्हें किस तरह से हम बच्चे को ठीक कर सकते हैं, उनके पोस्चर पर काम करके बिहेवियर थेरेपी के साथ में, साथ ही उन्हें OT देना। उन्हें कुछ ऐसी टो वॉकिंग के इश्यूज़ हैं तो बच्चे को टेक्टाइल इनपुट देना कि बच्चे की जो सेंसिटिविटी है उसको कम किया जा सके, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं टो वॉकिंग सेंसिटिविटी के चलते करते हैं। तो हमें बच्चे को ऐसी चीज़ें, उनकी डिफ़िकल्टीज़ को समझना है कि बच्चे को कहाँ डिफ़िकल्टी है। अगर बच्चे को मिड लाइन क्रॉसिंग में डिफ़िकल्टी है तो मिड लाइन की एक्टिविटीज़ देना। कॉन्सेंट्रेशन को लेकर बच्चों को बहुत से इश्यूज़ होते हैं। नो मैटर कि आपके बच्चे को लगता है आपको कि इशू है या नहीं है, लेकिन आप उसके कंसंट्रेशन पर बराबर वर्क करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऑटिज़म है अगर आपके बच्चे को, तो कंसंट्रेशन को लेकर इश्यूज डेफिनेटली होंगे, और हमें इस एरिया को बिल्कुल मिस नहीं करना है। इसके साथ बच्चे के बायलेटरल कोऑर्डिनेशन पर काम करना कि दोनों एरियाज, दोनों बॉडी के दोनों एरियाज को बच्चा दोनों को समान रूप से एक टास्क के लिए यूज़ करे, जिसे हम कहते हैं कि बटनिंग करना, जिपिंग करना, या फिर बच्चे को लिखना भी है तो एक हाथ से कॉपी को होल्ड करना, दूसरे हाथ से लिखना। ये चीज़ें बायलेटरल कोऑर्डिनेशन में आती हैं, और ये चीज़ें बच्चों की, ये स्किल्स जो हैं बच्चों की लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं मिड लाइन पर वर्क करने की, तो मिड लाइन पर वर्क करने का मतलब है कि एक चीज़ हमने लेफ्ट से उठाई, राइट पर रखी, तो हम मिड लाइन पर काम कर रहे हैं। बच्चा विजुअल, अगर ट्रैकिंग की मैं विजुअल परसेप्शन की बात करूँ, क्या चीज़ों को समझ रहा है कि उसके सामने 5 चीज़ें पड़ी हैं, उसमें से आपने पेंसिल उठाने के लिए बोला, तो क्या बच्चा उस क्लटर में से आपको 5 चीज़ों में से ही पेंसिल उठाकर दे रहा है?
मेक श्योर कि बच्चा आइडेंटिफाई कर पाता हो चीज़ को, उसे पता हो कि पेंसिल कौन सी है। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कई बार चीज़ सामने पड़ी है, बच्चे आपको उठाकर नहीं देते हैं इवन इफ दे नो कि ये पेंसिल है। तो ये चीज़ हमें देखनी है कि हमारे बच्चे को कुछ इस तरह की डिफ़िकल्टीज तो नहीं है, क्योंकि इसके चलते आगे चलकर बच्चों को रीडिंग राइटिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं और बच्चों की स्कूल लाइफ मुश्किल हो सकती है। तो हमें स्टार्टिंग से ही इन एरियाज पर घर पर काम करना है कि बच्चे के विजुअल परसेप्शन पर, उनके कॉन्सेंट्रेशन, उनके कॉग्निशन पर, उनके मिड लाइन पर, उनके बायलेटरल कोऑर्डिनेशन पर घर पर ही हम काम करें। और हम सिंपल सी एक्सरसाइजेस के साथ में ये सब चीज़ें कर सकते हैं। मिड लाइन पर करना है तो हम एक सिर्फ सिंपल, हमने अगर लेफ्ट लाइन पे कोई चीज़ रखी है उसे बच्चे को उठाकर राइट कंटेनर, राइट साइड के कंटेनर पर रखनी है और चीज़ें थोड़ा सा दूर। इसी तरह से वॉल पर आप रख सकते हैं कि वॉल एक तरफ आपने जो है वॉल को टच करना है, फिर दूसरे हाथ से इस वॉल को टच करना है। खड़ा कीजिए बच्चे को और इस तरफ इस वॉल को, इस तरफ इस वॉल, ये मिड लाइन की एक्टिविटी है। जब बच्चा इस हाथ से कोई इस चीज़ को टच कर रहा है, इस वॉल को टच कर रहा है, या इस हाथ से वो इस चीज़ को टच कर रहा है, इस वॉल को टच कर रहा है, तो ये मिड लाइन पर काम कर रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप बच्चों को घर पर करवा सकते हैं। और ये एक्टिविटीज़ इसके साथ ही ग्रॉस मोटर पर उनके काम करना, ग्रॉस मोटर स्किल्स बच्चों की बहुत कई बार प्रॉब्लम होती है, बच्चों को बैलेंस को लेकर, कोऑर्डिनेशन को लेकर, जिससे उनकी चाल अफेक्ट होती है। तो हमें ये चीज़ें स्पेशली हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, उन्हें स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ देना, जिससे कि हम बच्चों की ग्रॉस मोटर स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकें। इसके साथ ही कई बच्चों को फाइन मोटर में डिफ़िकल्टीज होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे अपने डेली रूटीन के काम नहीं कर पाते हैं, लिखना पढ़ना नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हम घर पर बच्चों को पुट्टी, उनको क्ले देना, या फिर आप मैदे का ही बना लीजिए, एक मैदे के साथ में उसको मैदे में आप फूड कलर डालिए और बच्चे को क्ले की तरह उसे यूज़ कीजिए। उसमें टूथपिक लगाना है, उसको सीजर से, जो चाइल्ड सेफ सीजर होती है, प्लास्टिक की सीजर होती है, उसके साथ में बच्चे को कटिंग कराइए प्लास्टिक के नाइफ से। अगर बच्चा छोटा है तो उसे करवाइए, बच्चा बड़ा है तो आप उसे वेजिटेबल्स कटवाइए, क्योंकि जैसे कि खीरा कटवाना, क्यूक्यूम्बर कटवाना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बच्चों को देना जैसे कि बच्चा कटिंग चॉपिंग करे, इससे बच्चों की जो हैंड स्ट्रेंथ है वो होती है मजबूत। इसके साथ ही बच्चों को आप स्क्वीजिंग की एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, जैसे कि पाँच को ही बच्चे को स्क्वीज़ करना है, पानी उसमें भर के उसे स्क्वीज़ करना, ये बच्चों के लिए काफ़ी रिइंफोर्सिंग होती है, क्योंकि इससे बच्चों को विजुअल स्टिमुलेशन मिलता है। साथ ही बच्चों को सेंसरी इंटीग्रेशन, ओटी का ही सेकेंड पार्ट है कि सेंसरी इंटीग्रेशन देना। कई बार बच्चों के बिहेवियर सेंसरी से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि स्टीमिंग के बिहेवियर्स होना, या कुछ सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स भी सेंसरी की वजह से होते हैं, नॉट ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन इंपेयरमेंट, सेंसरी भी एक रीज़न होता है। और हमें उस पर भी काम करना है कि बच्चे को कुछ एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा तो नहीं है जिस वजह से बच्चा डिस्ट्रेस हो रहा है, उसे गुस्सा आ रहा है। इसे हम कहते हैं कि डिफेंसिव होना, अगर एनवायरनमेंट में कोई चीज़ ऐड हुई है और उस वजह से बच्चे में बिहेवियर आ रहा है, उसे हम कहते हैं कि बच्चा डिफेंसिव है। जो एनवायरनमेंट में उसे इनपुट मिल रहा है वो सफिशिएंट नहीं है उसके लिए, तब भी बच्चों में स्टीमिंग बिहेवियर्स होते हैं। तो हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि बच्चे को विजुअल नीड्स हैं तो उसे विजुअल चीज़ें दिखाना, ऑडिटरी है तो ऑडिटरी देना। ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि बच्चों को किस तरह की स्टीमिंग है, तब हम उसी हिसाब से रूट कॉज को समझ के उस पर काम करते हैं, तो डेफिनेटली हम बिहेवियर्स को कम करते हैं। बच्चों में जो प्रॉब्लम बिहेवियर्स होते हैं उसे कम सिर्फ सेंसरी इनपुट के साथ नहीं, हम बच्चों को सोशल स्टोरीज के साथ में, अगेन बच्चों को बैड और गुड का मतलब समझा के, फ़र्क समझा के हम उनके इन बिहेवियर्स को कम कर सकते हैं। उन्हें रोल मॉडलिंग के साथ में बताना कि उन्हें किस तरह से एक्चुअली बिहेव करना है डिफरेंट सिचुएशंस में, ये बहुत ज़रूरी है उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट वन जो है वो है एजुकेशनल अप्रोच, एजुकेशनल इंटरवेंशन। अब एजुकेशनल इंटरवेंशन में, क्योंकि बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, ज़्यादातर बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं ऑटिज़म, स्पेशली अगर बच्चा 5-6 साल का भी हो गया, लोग स्टार्टिंग में बच्चे को नहीं भेजते हैं क्योंकि बच्चे का सिटिंग बिहेवियर ही नहीं है। तो हमें घर पर जब हम बच्चे के साथ में ये सब मैं जो एक्टिविटीज़ बता रही हूँ, जो इंटरवेंशन बता रही हूँ, इससे आपके बच्चे की सिटिंग आनी शुरू होगी, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, स्पीच लैंग्वेज उसके डेवलप होनी शुरू होगी, उसके बिहेवियर इश्यूज़ कम होने शुरू होंगे और बच्चे स्कूल में कोप कर पाएंगे। लेकिन शुरुआत जो है कि स्कूल में आप उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस तो उसके लिए है ही, नया सेटअप है, नए बच्चे हैं, नए टीचर्स हैं, लेकिन जो लर्निंग, जो बुक्स है वो उसके लिए, जो उसने पढ़ना है वो एजुकेशन उसके लिए नई नहीं होनी चाहिए। घर पर आप उसे पहले से ही ट्रेंड कीजिए कि उसे स्कूल में क्या करना है, लिखना पढ़ना, स्टार्टिंग से ही घर पर उसको शुरू कीजिए। इसे हम कहते हैं एजुकेशनल इंटरवेंशन। एजुकेशनल इंटरवेंशन ज़रूरी इसलिए है ताकि बच्चों को आप लर्निंग उनमें आ सके, लिखना पढ़ना सिखा सके। घर पर ही बच्चे को आप पेंसिल पकड़ने की प्रैक्टिस करवाना, अगर पेंसिल नहीं पकड़ता तो क्रेयॉन दीजिए, क्रेयॉन को वो फर्श पर ही घिसा रहा है तब भी वो उसके फाइन मोटर पर आप काम कर रहे हैं। धीरे धीरे आप चीज़ों को उसको करते जाइए,
उसे एक आप बाउंड्री बना कर दीजिए, आइसक्रीम स्टिक्स के साथ में बाउंड्री पेस्ट कीजिए और उसमें कलर करने के लिए बोलिए, तो बच्चे का कलर कभी भी उसका लाइन से बाहर नहीं जाएगा। इससे बच्चों में लाइन अवेयरनेस आनी शुरू होती है। और इसके साथ ही आप बच्चों को राइटिंग स्किल्स पर काम कीजिए, उन्हें किस तरह से लेटर फॉर्मेशन करनी है, लेकिन उससे पहले बच्चे को मेजेस दीजिए ताकि बच्चे को पता हो कि मुझे अपना हैंड किस डायरेक्शन में मूव करना है। इसके साथ ही ज़रूरी है उनकी रीडिंग की प्रैक्टिस करवाना, उन्हें अल्फ़ाबेट्स की नॉलेज देना कि उन्हें कौन सा लेटर, कौन सा जो पिक्चर है किस लेटर से स्टार्ट होता है। घर पर ही ये चीज़ें ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट है उसे सोशल एजुकेशन देना, उसके सोशल स्किल्स पर काम करना। इसके लिए अगर बच्चा बड़ा है तो सोशल स्टोरीज़ की हेल्प लीजिए। 5 साल का भी है तब भी बच्चा सोशल स्टोरीज़ को, विजुअल्स को समझता है। विजुअल्स के साथ रोल मॉडलिंग के साथ में आप उनके सोशल स्किल्स पर काम कीजिए। बच्चे का आई कांटेक्ट कम है तो उसको टारगेट कीजिए। बच्चा आपको देखता है तो जॉइंट स्किल्स नहीं है, पॉइंटिंग नहीं है, बच्चा दूसरों से बात नहीं कर पाता है, किस तरह से उसे आंसर करना है। एक ये चीज़ हमें बच्चों को सिखानी ज़रूरी है कि सोशली हमें किस तरह से बिहेव करना है डिफरेंट सिचुएशंस में। अगर बच्चे के बिहेवियर आपको लगता है कि सोशली इनअप्रोप्रिएट है तो उन बिहेवियर्स को कम करना और बच्चे को सोशल बिहेवियर सिखाना, उनके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट रहना, उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि अक्सर बच्चे कट ऑफ रहते हैं आपसे, इन्वायरमेंट से। इस वजह से वो कुछ सीख नहीं पाते हैं। जितना आप बच्चे को अपने साथ जोड़ते हैं, बच्चे उतना ही आपको देखकर सीखना शुरू करते हैं, और देखकर ही सब सीखते हैं और हमारे बच्चे भी देखकर सीखते हैं। तो बहुत ज़रूरी है उन्हें अपने साथ कनेक्ट करना। इसके लिए जो इंटरवेंशन हम यूज़ करते हैं उसे हम RDI बोलते हैं, रिलेशनशिप डेवलपमेंट इंटरवेंशन, जो कि एक बॉन्डिंग बनाना, जो एक हेल्दी बॉन्डिंग बनाता है आपके बच्चे के साथ में। उसके साथ खेलना, प्ले थेरेपी करना, उसको अलग अलग चीज़ों के बारे में कि किस तरह से उसे बिहेव करना है। प्ले थेरेपी के साथ में आप बच्चों के इन सभी एरियाज पर काम करते हैं कि बच्चा आपके साथ बैठता भी है, उसकी सिटिंग भी इम्प्रूव होती है, उसकी स्पीच लैंग्वेज भी इम्प्रूव होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चा सोशली आपके साथ में जुड़ने लगता है, जो कि बहुत ज़रूरी है उसकी लर्निंग के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा उसे किस तरह से ग्रीट करना है किसी को, किस तरह से उसे हेलो बोलनी है, किस तरह से कितने डिस्टेंस के साथ में हमें बात करनी है या क्या बात करनी है, अपना इंट्रोडक्शन किस तरह से देना अगर बच्चा बोलता है आप बच्चे को, कि वो अपने दूसरों को हेलो करना, नमस्ते करना, वेव करना, ये सब चीज़ें बच्चों को आप ज़रूर सिखाइए। इवन इफ़ योर चाइल्ड इज़ नॉन वर्बल, आपका बच्चा ये चीज़ें सीख सकता है। आप इमिटेशन के साथ सिखाइए, आप उसको मॉडलिंग के साथ सिखाइए, आप प्रॉम्प्ट के साथ सिखाइए, लेकिन ये चीज़ें ज़रूर सिखाइए कि उसे दूसरों के साथ में किस तरह से कनेक्ट होना है। एक और साइकोलॉजिकल अप्रोच होती है जो कि माइल्ड बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, जो बच्चे अडल्ट होते हैं, स्पेशली जिन बच्चों को एंग्जायटी और डिप्रेशन के इश्यूज़ होते हैं, उसे हम कहते हैं CBT, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें कि हम बच्चों को, जिसे टॉक थेरेपी भी कहा जाता है, जिसमें बच्चों की नेगेटिव सोच पर काम किया जाता है कि बच्चे को सिचुएशन में किस तरह से पॉजिटिवली सोचना है। मान लीजिए आज मेरे पास बुक नहीं है जो मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा। उस टाइम पर बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मैं बुक घर पर भूल गया, लेकिन उसका भी सोल्यूशन है। एवरी प्रॉब्लम हैज़ ए सोल्यूशन, उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि हम टीचर को बोल सकते हैं कि हम एक बुक प्रोवाइड करें कि मेरे पास बुक नहीं है, मैं आज वो लेकर नहीं आया हूँ। अगर मुझे खेलना है तो मुझे दूसरों के साथ कैसे खेलना है, कैसे बात करनी है, उसकी प्रैक्टिस घर पर, उसको किस तरह से नेगेटिविटी से बचाना। अगर उसे कोई बुली कर रहा है तो मुझे उस सिचुएशन में किस तरह से उस सिचुएशन को फेस करना है। ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाना ज़रूरी है ताकि बच्चे स्कूल लाइफ में सही से बिहेव कर पाएँ, खुद को, उनकी फीलिंग को वो एडजस्ट कर पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ। मेडिसिंस बताई जाती हैं, लेकिन मेडिसिंस इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, इनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं बच्चों को। चाहे वो बच्चे आपके हाइपर एक्टिव हैं, कुछ बच्चों को सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर्स होते हैं, उनकी वजह से भी मेडिसिन सजेस्ट की जाती हैं, लेकिन ये कोशिश कीजिए कि आप मेडिसिन की तरफ ना जाएं, आप नेचुरल वेज में ही बच्चों को ठीक करें, क्योंकि वो ही चीज़ जो है वो आपके बच्चे के लिए बेनिफिशियल है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और उसी से ही आपका बच्चा सीखेगा। क्योंकि मेडिसिन से आपका बच्चा शांत तो ज़रूर हो जाएगा, लेकिन उससे वो कुछ सीखेगा नहीं, वो एक जगह निढाल होकर बैठा रहेगा। तो ये जो एज है उसकी, वो लर्निंग की एज है। एक जगह उसे बैठने बिठाने से वो एज जो है वो उसकी निकल रही है, वो टाइम उसका निकल रहा है, जो कि उसके लिए बहुत कीमती है। और हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम मेडिसिन को ना चुनकर उनके साथ काम करें, जो कि उसके लिए ज़रूरी है। कुछ लोग हिपोथेरेपी, एक्वाथेरेपी या फिर डॉग थेरेपी, एनिमल थेरेपी, ये चीज़ों में बिलीव करते हैं। कुछ लोग हर्बल ट्रीटमेंट पर जाते हैं, कुछ लोग सप्लीमेंट्स भी कहते हैं। सप्लीमेंट्स यूज़फुल हैं बच्चों के लिए, काफ़ी हद तक इनके रिज़ल्ट अच्छे हैं। D3 दीजिए बच्चे को, प्रोबायोटिक्स दीजिए बच्चों के लिए, बहुत अच्छा है। साथ में B12 देना, Omega-3 देना बच्चों की स्पीच के लिए बहुत ही यूज़फुल है। लेकिन जो चीज़ें हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक्वाथेरेपी की, हिपोथेरेपी की, ये सब चीज़ें एडिशनल हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थेरेपीज मैंने आपको बताई उनके बिना इनका कोई वजूद नहीं है। मेडिसिन का कोई रोल ही नहीं है ऑटिज्म में, इसलिए डॉक्टर्स के पास जाना और उनसे सलाह लेना गलत है। आप
घर आप थेरेपिस्ट के पास जाइए, क्योंकि आपके बच्चे को किसी डॉक्टर की नहीं बल्कि उसे थेरेपी की ज़रूरत है। अगर आपके बच्चे को कोई हेल्थ इश्यूज है, कोई ऐसी कोमोर्बिड कंडीशन है जैसे कि सीजर्स या स्लीप इश्यूज का इट से लेकर समस्या होना, तब आप डॉक्टर से हेल्प ले सकते हैं। लेकिन हमें ऑटिज्म को ठीक करने के लिए किसी भी डॉक्टर या किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से अगर आप ये चीज़ें करते हैं, बच्चों को थेरेपिस्ट देते हैं, तो डेफिनेटली आप बच्चों में, उनके बिहेवियर में ये सब इंटरवेंशंस आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा घर पर ही बच्चों को वो ज़रूरी इंटरवेंशंस देने में जो कि उसकी लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।